जबलपुर के मानकुंवर बाई महिला महाविद्यालय में ब्लैकमेलिंग कांड की घटना से जहां सभी छात्राएं भयभीत हैं, वहीं इस घटना में कॉलेज के प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव करते हुए जल्द ही दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की। एबीपी के प्रदेश मंत्री माखन शर्मा ने बताया कि इस विषय पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कुछ छात्राओं ने यह भी बताया कि कई बार कॉल पर दोषी ने खुद को गोरखपुर थाने का पुलिस कर्मी बताकर धमकी भी दी। इस घटना की शिकायत महाविद्यालय प्रबंधन से भी की गई थी, परंतु प्रबंधन द्वारा इस घटना को गंभीरता से नहीं लिया गया, जिस कारण से घटना का अधिकतम छात्राएं शिकार होती चली गई। वहीं इस मामले में महाविद्यालय प्रशासन की संलिप्तता की भी आशंका जताई जा रही है, अतः महाविद्यालय प्रशासन की भी आंतरिक जाँच होनी चाहिए। जबलपुर शहर के एक लीडिंग गर्ल्स कैंपस मानकुंवर बाई कैंपस, जो कि काफ़ी पुराना और काफ़ी लीडिंग कैंपस है, इसमें इस प्रकार की घटना कल विद्यार्थी परिषद जब मेंबरशिप ड्राइव अपनी कर रहा था, कुछ छात्राओं ने आके अपना विषय बताया और धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ती गई, और जिससे हमें यह पता चला कि महाविद्यालय प्रशासन का कितना इसमें खराब रुख है। महाविद्यालय प्रशासन को जब बता दिया गया था 2 माह पूर्व भी, उसके बाद भी किसी प्रकार से गंभीरता से नहीं लिया गया इस विषय को। जो ब्लैकमेलर द्वारा उनको नंबर प्राप्त हुआ 60-70 छात्राओं को फ़ोन करके उनको ब्लैकमेल करना, उनको वीडियो कॉल करना, उनके अश्लील इमेज को फेक उसके माध्यम से AI के माध्यम से उसको जनरेट करके उनको डराना, और बड़ी चिंता का विषय है कि कुछ छात्राओं ने पैसे भेज भी दिए हैं। देखिए, कल मदन महल थाने में एक अपराध पंजीबद्ध हुआ है, और इसमें जो शासकीय महाविद्यालय है वहाँ की कुछ छात्राओं को मैसेजेस आए, और उनको मैसेजेस सेंड करके ये बोला गया कि आपके द्वारा ये अश्लील वीडियो या जो व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड किया गया है, और उसको लेके उनसे पैसे की डिमांड की गई। इसमें अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में ये क्लियर हुआ है कि एक जो आजकल साइबर फ्रॉड के केसेस हैं, ये उससे जुड़ा हुआ एक केस है। इसमें जो आज दोनों आज जो दो ज्ञापन हुए हैं, उनकी जो डिमांड्स हैं उसको लेके हम आगे उनको भी इन्वेस्टिगेशन में इनकॉर्पोरेट करेंगे।